हेलो फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अभी तक 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अगला जो चरण है वो 13 मई को होने वाला है। ऐसे में हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है जब हम तक हमारा वोटर पर्ची नहीं पहुंचता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिना वोटर पर्ची के वोट डालना कितना कठिन भरा काम है। इस वोटर पर्ची में हमारा किस बूथ पर वोट है, हमारा क्रम संख्या क्या है, सारा डिटेल दिया हुआ रहता है। एक बूथ पर 4-5 कमरे होते हैं, उसमें भी कौन सा कमरा नंबर है यह भी पता लगाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। ऐसे में यदि हमारे पास वोटर पर्ची नहीं पहुँचती है तो एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि आखिर हम किस बूथ पर जाएं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि चुनाव आयोग हमारे बूथ को बदल देता है जिसकी सूचना हमें नहीं होती है। ऐसे में हम एक बूथ से दूसरे बूथ, दूसरे बूथ से तीसरे बूथ घूमते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि यदि हमारे पास वोटर पर्ची होगी तो उस पर्ची पर हमारा सारा डिटेल रहता है कि हमारा वोट किस बूथ पर है, उस बूथ के किस कमरा नंबर पर है और हमारा सीरियल नंबर क्या है। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उसके वेबसाइट पर जाकर सिर्फ 1 मिनट में अपने मोबाइल से अपना वोटर कार्ड का जो पर्ची होता है, वोटर पर्ची आप निकाल सकते हैं सिर्फ 1 मिनट पर मोबाइल नंबर से। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है जो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर है। यह चूंकि निर्वाचन आयोग का वेबसाइट है तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने का डर नहीं है। इसलिए आप बेधड़क इस वेबसाइट पर जाकर अपना वोटर पर्ची निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने मोबाइल स्क्रीन से। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए साथ ही साथ मतदाता पर्ची को डाउनलोड करने के लिए हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस वेबसाइट पर जाना है। इसके लिए हमें गूगल बार में जाकर इलेक्शंस टाइप करना है। याद रखिएगा, इलेक्शंस 2024, इलेक्शंस 24 टाइप कीजिएगा तो आपको इस टाइप का ये निकलेगा। ये भारत सरकार का जो इलेक्शन विभाग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका ये ऑथराइज्ड वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है ये। यहाँ से आपको किसी प्रकार का फॉर्जरी नहीं होगा। आप इसको जाके क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलेगा तो आप देखिएगा ऊपर में ही दिया हुआ है कि कितने कितने फेज में इलेक्शन है। आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 7 चरणों के इलेक्शन का डिटेल दिया गया है। आज 13 तारीख है, देखिए 13 तारीख को लाल घेरे में किया गया है। इसके अलावा 4 तारीख को काउंटिंग है तो उसका डिटेल दिया गया है। यहाँ देखिए ये चमक रहा है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि फेज 4 पोलिंग टुडे, आज चौथा इलेक्शन चल रहा है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार का फोटो आ रहा है। इसके बाद आप सीधे नीचे आ जाइए, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रोल रोल। उसके बाद फिर नीचे आपको दिखेगा नो योर पोलिंग स्टेशन ACPC, तो आपको सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रोल रोल देखना है तो इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको देखिएगा 3 तरह का खाना बॉक्स बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है EPIC द्वारा खोजें, मतलब EPIC क्या होता है, वोटर कार्ड का जो नंबर होता है उसके अनुसार खोजना है। दूसरा लिखा हुआ है कि विवरण द्वारा खोजें, विवरण में क्या होता है, आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ये सब होता है। तीसरा है कि मोबाइल द्वारा खोजें, ये है कि जिसका वोटर कार्ड मोबाइल से लिंक है तो उसके द्वारा आप खोज सकते हैं। देखिए, अगर EPIC के खोजना है तो इसमें आपको दिया हुआ EPIC नंबर है, मतलब जो वोटर कार्ड का जो नंबर होता है उसको डाल देना है। इसके बाद नीचे में दिया है स्टेट का सिलेक्शन करना है। देखिए, सारा स्टेट का इसमें नाम आ जाता है तो आप जिस स्टेट के हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो कैप्चा है वो कैप्चा को डाल देना है, फिर सर्च कर देना है। सर्च के बाद आपका सारा डिटेल आ जाएगा, आपका पर्ची निकल जाएगा, बूथ का नाम, कौन सा कमरा नंबर है बूथ, सारा डिटेल उसमें रहेगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपका वोटर कार्ड खो
हो गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप इसको सेकेंड वाले को क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखिएगा स्टेट का आ जाता है, तो आप स्टेट को जिस भी स्टेट के हैं आप उसको ओके कर दीजिएगा। मान लीजिए कि आप बिहार के हैं तो बिहार को ओके कर दीजिएगा। लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, जैसा भी लैंग्वेज है आप छोड़ दीजिए, हिंदी का ही ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी का, तो उसको छोड़ दीजिए जैसा है। इसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद सर नेम, उसके बाद फादर का नाम दे देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ वोटर कार्ड में नहीं है तो जो एज मेंशन है वोटर कार्ड में उस एज को लिख देना है, जेंडर लिख देना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दे देना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए मैंने बिहार टिक किया था तो बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट का इसमें दे दिया है। इसके अलावा उसके क्या करना है, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र आप किस विधानसभा के हैं उसको दे देना है, फिर कैप्चा करके सर्च बटन में डाल देना है। तो इस प्रकार से आप अपना डिटेल के हिसाब से भी अपना बूथ खोज सकते हैं, अपनी पर्ची निकाल सकते हैं। फिर तीसरा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में यदि आपका वोटर कार्ड से मोबाइल लिंक है तो आप अपना स्टेट का सिलेक्शन करके, अपने राज्य का सिलेक्शन करने के बाद आप लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है, जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल है वोटर आपका जो वोटर कार्ड है उससे, उसके बाद कैप्चा डाल के डालिएगा तो एक OTP जाएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका जो वोटर पर्ची है वो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से वो आपका डिजिटल वोटर पर्ची होगा जो काम करेगा।